हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल लाइफ। आप लोग के साथ गेहूं के आटे के बने मोमो और उसके एक सिंपल चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें अब करीब 7-8 लाल मिर्ची और करीब 7-8 उतना ही लहसुन की कली और 1 इंच अदरक के टुकड़े को लेकर पहले हम लोग भून लेंगे। उसके बाद सब जब ये भून जाए तो हम लोग मैंने एक टमाटर डाला है। जब इसका कच्चापन निकल जाए इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। जब इसका कच्चापन निकल जाए तो इसे ठंडा होने देंगे और इस ठंडा होने पे मिक्सी में पीस लेंगे और उसमें टेस्ट के अनुसार नमक और 1 चम्मच सिरका या फिर खट्टापन के लिए या फिर नींबू आप ऐड कर सकते हैं। जब तक हमारा वो भून रहा है तब तक हम लोग आटा की तैयारी कर लेते हैं। मैंने करीब 1 कप से 2.5 कप आटा लिया है, उसमें हम लोग टेस्ट के अनुसार नमक मिला देंगे और करीब 1 चम्मच के करीब मैंने उसमें तेल मिलाया है और उसका एक नरम आटा गूंद लेंगे हम लोग। आटा थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, उतना बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं होना चाहिए, नरम ही रहना चाहिए। अब गूंद कर हम लोग करीब 15 मिनट के लिए उसे रेस्ट होने के लिए रख देंगे। मोमो में फिल करने के लिए सामग्री देख लेते हैं। इसके लिए मैंने कैबेज, अदरक, लहसुन को क्रश कर लिया है, एक और प्याज और शिमला मिर्च और गाजर लिया है। इसे हम लोगों ने चॉपर में अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब हम लोग इसमें और मैंने थोड़ा सा इसमें करीब 1 छोटा चम्मच के करीब धनिया मिर्चा और 1 छोटा चम्मच के करीब लाल मिर्ची का यूज किया है और उसी चम्मच से मैंने एक कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली है इसमें। देखिए कुटी हुई लाल मिर्च और उसी चम्मच से करीब 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने काली मिर्च ब्लैक पेपर का यूज किया है। ये सब डाल करके स्वाद के अकॉर्डिंग अब हम लोग इसमें नमक डाल देंगे और उसे मिलाएंगे। आप इस वक्त इसमें 1 चम्मच के करीब ऑयल भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने उसका यूज नहीं किया है। आप धनिया पत्ती को भी इसमें ऐड कर सकते हैं और अब हम लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने आटे की लोइयां तैयार कर ली है, उसके पेड़े बना लिए हैं और उसे बेल लिया है। देखिए आटे की थिकनेस इस तरह से होनी चाहिए। अब हम लोग इसमें पूरियों की थिकनेस इस तरह की होनी चाहिए। अब हम लोग इसमें मोमो की सामग्री को भरेंगे और इस तरह आप अपने मनचाहे आकार में शेप में उसमें को फिल कर दे। आप चाहे तो लंबा बना दे या फिर गोल शेप दे दे। आप ये वाला शेप भी दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से एक तरफ से चुन्नट मोड़ते जाइए और दूसरी तरफ से प्लेन रहेगा। इस तरह से फोल्ड करते जाइए और दूसरे सिरे को चिपकाते जाइए। इस तरह करके सारे पूड़ियों को हम लोग मोमो में बना लेंगे, मोमो का सूप दे देंगे। ये देखिए मोमो हमारी तैयार हो गई। अब हम लोग इसको स्टीम करते हैं। एक कढ़ाई या पैन में
पानी उबलने के लिए चढ़ा दिया, उसके ऊपर छेद वाली मैंने प्लेट डाल रख दी है। आप चाहे तो मोमो वाले स्टैंड में बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये छेद वाली प्लेट का यूज किया है। ये देखिए, इस तरह करके अब आप इसे किसी बड़े बर्तन से, इसी के साइज के बर्तन से ढक देंगे। मैंने इसके ढक्कन को यूज किया है, इसके छेद को हम लोग आटे से ढक देंगे ताकि अच्छी तरह से इसमें भाप लगे, और करीब 15 मिनट बाद हम लोग इसे चेक करेंगे। अच्छी तरह से बना सकते हैं। मेरे पास, मैं कोटा में रह रही हूँ इसलिए थोड़ा बर्तन का दिक्कत है, इसलिए मैंने ये वाली छेद वाली बर्तन का यूज किया प्लेट में। देखिए, आप इस छेद वाले बर्तन में भी आप बना सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। यहाँ के मार्केट में इजीली अवेलेबल है। देखिए, अब इसे फिर से हम लोग ढक देंगे। अब आप चाहे तो स्टीम करके ऐसे ही खाएं या फिर फ्राई करें। मैंने दोनों तरह का मोमो बनाया, फ्राई मोमो और स्टीम मोमो। अब हम इस मोमो जो हमने स्टीम करके रखे उसे हम लोग फ्राई कर लेते हैं। आप ऐसे भी खा सकते हैं और फ्राई करके भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आटे के बने या मैदे के बने हैं। मैं आटा वाला ज़्यादा हेल्दी होता है, इसलिए आप कोशिश करें कि आप अगर घर पे बना रहे हैं तो कोशिश करें कि आटे के ही बनाएं। इसमें सब्जियां भी हैं, बहुत ही हेल्दी है, अधिक नुकसान नहीं करेगा। आप स्टीम करके खाएं या फिर फ्राई करके खाएं। ये देखिए, हमारा मोमो तैयार है सर्व करने के लिए। हमारे मोमो बनके तैयार हो गए हैं। उस आटे से मैंने करीब 2.5 कप आटा लिया था, उससे करीब 50 से 55 के करीब मोमो तैयार हुए हैं। ये देखिए, हमारी टेस्ट चटनी कितनी टेस्टी और यम्मी लग रही है। ये देखिए, मैंने कुछ फ्राई किया है, कुछ को ऐसे स्टीम करके रखा है। देखिए, ये भी बहुत ही टेस्टी और यम्मी और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बने हैं। मैं एक आपको तोड़ कर दिखलाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट है और अंदर से पूरी अच्छी तरह से पक गए हैं। सब्जियाँ भी बहुत अच्छी पक गई है और क्रंची लग रही हैं। आपको मेरी मोमो की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।